यहाँ पे ना पता क्या है, अगर किसी को सही सलाह दो ना तो उनको लगता है है, लेकिन तू है, तू रहेगा ही। ये है वो दरचा का ब्रिज जिसे हमें क्रॉस करना है, और जिसे क्रॉस करने के बाद इस साइड में जो रास्ता जा रहा है, यही जा रहा है वो रास्ता ले की तरफ को। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस ब्लॉग। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा, अपनी मैंने लेह लद्दाख 2022 राइड का डे टू स्टार्ट किया था सिसु से, और मैंने पार्ट वन को एंड किया था दारचा के ऊपर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप किया। तो आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में आपको मैं अपनी राइड दिखाऊंगा दारचा से लेकर गोनबोर रोंजन तक, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। उस वीडियो के बीच में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सिनेमैटिक व्यूज़ आएंगे, शिंकुला पास आएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह भी आएंगे जिनको हम क्रॉस करेंगे, और वाटर क्रॉसिंग को हमारा ये चीता गोली की तरह चीर कर पार करता हुआ जाएगा। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, इंजॉय कीजिए मेरे इस खूबसूरत सिनेमैटिक व्यूज़ को। जो मेरी ऑडियंस इस लेह लद्दाख को नहीं विजिट कर सकती या किसी कारण नहीं आ सकते, तो वर्चुअली मेरे इस व्लॉग के जरिए वो लेह लद्दाख को देख सकते हैं। होपफुली आपको मेरे ये सीरीज बहुत अच्छी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आपको दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत व्यूज। ये आप देख रहे हो, ये दारचा ब्रिज, और वो आ रही है आपकी भागा रिवर, ऐसे ऐसे करके ये जा रही है। वो सामने देखो आपको उन पहाड़ों को बीच में से चीरती हुई आगे जाकर इसका संगम होता है चंद्रा रिवर के साथ, वहाँ जाकर बन जाती है चंद्रा भागा रिवर। कितना प्यारा व्यू है, आपको होपफुली जरूर पसंद आ रहा होगा। ये देखिए, और ब्रिज का तो सीन ही बहुत प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। ये लोग देखो कितने एक्सट्रीम वेदर में भी काम पर लगे हुए हैं, सड़क के ऊपर जो मिट्टी गिरी होती है उसकी साफ सफाई करते रहते हैं, तो इन लोगों के लिए भी एक दिल से सल्यूट बनता है। सल्यूट तो मैं आपको गोप्रो पे दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको अंगूठा ही दिखा सकता हूँ यहाँ पे आते हुए हमारे फौजी भाई। और देखो बीआरओ वालों ने कितने शानदार रोड बनाए हुए हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। अब तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया है, पहले इस रास्ते में हम लोग जैसे ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था हमारे को ट्रैवल करने में, लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा कर दिया है, इतना प्यारा है, अवसम रास्ता है बिल्कुल। और ये लगता है वही पॉइंट है जहाँ से सीधा हमने जाना है, तो वो जाएगा रास्ता शिंकुला पास की ओर, वो लगा भी हुआ है सरचू ले, ये वाला जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये सरचू ले की तरफ जा रहा है, और सीधा जा रहा है वो शिंकुला टॉप की ओर जा रहा है। शिंकुला यहाँ से है 38 किलोमीटर और पादुम 143, तो दारचा से अप्रोक्सीमेट पड़ता है ये 42 किलोमीटर के अराउंड। और इसी के साथ आ गए हमारे साथ के को राइडर जगदीश दसोनी। ये जिस डाइवर्जन पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये रास्ता जो जा रहा है ये पांग सरचू लेक होते हुए जा रहा है, 326 किलोमीटर यहाँ से ले है, और ये रास्ता जा रहा है शिंकुला पास के लिए, जहाँ से शिंकुला पास है 39 किलोमीटर, पादुम यहाँ से 143 किलोमीटर। तो जंसकार जो सुमडो है, जंसकार वैली जो स्टार्ट हो जाएगी वो 17 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से टोटली ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो गोल चक्कर है यहाँ पर बना हुआ, यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और कुछ यहाँ की लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। देखो कलाकारियाँ बनाई हुई हैं काफ़ी अच्छी, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और व्यू देखिए यहाँ से गाइस, अल्टीमेट व्यू, क्या अल्टीमेट व्यू है यहाँ का। और ये खड़ी है हमारी यहाँ MT-15 वर्जन 2.0, और ये महाराज जी ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा काफ़ी तेज़ है, मैंने इनको मना भी किया है लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। देखिए क्या कातिलाना लुक लग के साथ यामा MT-15 वर्जन 2.0, और यहाँ खड़ी है इनकी BMW और दो RC 350, और मनाली यहाँ से है 100 किलोमीटर और अटल टनल 67 किलोमीटर। और ये दो भाई लोग आए हुए हैं, इनमें से एक भाई आए हैं मेरठ से और एक आए हैं राजस्थान से, अजमेर से, इसलिए एक यूपी का नंबर एक RJ नंबर। काफ़ी देर से लिफ्ट की वेट कर रहे थे, आखिरकार इनको लिफ्ट मिल ही गई जाने के लिए आगे के लिए।
रहा है न्यूज रिपोर्टर। सो गैस यहाँ से चलते हैं अब अपने आगे की जर्नी शिंगला पास के लिए, जो कि है यहाँ से 39 किलोमीटर। इसी के साथ मैं एंटर कर चुका हूँ जस्कार वैली रूट के ऊपर। तो ये रूट देखते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कितना बना दिया है हमारे लिए। तो आपको दिखाते हैं खूबसूरत एक टाइम रैप शॉट, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 1, 2 and 3। सो गाइस ये आ गया एक झरना ऊपर से बहता हुआ, क्या चिल्ड वाटर है, कितना अच्छा लग रहा है साफ पानी। ये यहाँ पर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ये पुराना ब्रिज है और ये देखो नया ब्रिज बनने लग रहा है यहाँ पर, उसके कारण रोड टूटा हुआ है। और ये देखिए क्या बेहतरीन व्यू है भाई, क्या बढ़िया व्यू है। शायद आपको GoPro में दिखाई दे रहा होगा, वो देखो कितना भाव से पानी आ रहा है यहाँ पर, कितना अल्टीमेट व्यू है। थोड़ा आगे से तो दिखेगा नहीं, ये यहीं से दिखेगा। और नीचे भी देखो कितना तेज भाव से पानी आ रहा है। चलो चलते हैं फिर आगे। वो आ रहे हैं अपने भाई लोग काफ़ी स्लो स्लो। और ये देखिए सामने का क्या व्यू है, प्लेन वैली नज़र आ रही है, बीच में सड़क और सामने दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। लगता है यहाँ से टर्मरिक रोड का एंड हो गया है और हमारी ऑफ रोड वाली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वाओ क्या ब्यूटीफुल व्यू सीन है गाइस, क्या ब्यूटीफुल सीन है, कितना बढ़िया पानी बहता हुआ आ रहा है, कितनी बढ़िया सीनरी है। वाह वाह दिल खुश हो गया यार, वाकई में दिल खुश हो गया। ये देखिए पहाड़ों से रिश्ता हुआ बर्फ का बेहतरीन पानी, दूध की तरह सफ़ेद। और ये देखिए कैसी वैली, बिल्कुल बंजार वैली नज़र आ रही है। ये पेड़ पूड़ तो अब नज़र आने बंद हो गए हैं, बहुत दो चार लगे हुए हैं बीच बीच में, कि घास लगी हुई है पूरे के पूरे पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ भी देखो कितना तेज बहाव है सामने पानी का। चलो चलते हैं आगे, ऑफ रोडिंग तो मेरे को लग रहा है स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब हमारी बाइक जो चलेगी वो पहले और दूसरे गियर में ही चलेगी। ओह बिल्कुल आराम आराम से जाना पड़ेगा हमें, लगता है यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी हुई हुई है। अच्छा ये कुछ पोर्शन ही था जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई हुई थी, आगे का तो टर्मरिक रोड फिर से स्टार्ट हो गया। वाह दिल खुश हो गया।
सामने की वैली देखिए कितनी प्यारी है, और जैसे उस मोड़ पे हम पहुंचेंगे वहां से हमें दिखाई देगा पहाड़ के ऊपर पड़ी हुई बहुत ही ज्यादा बर्फ। देखना चाहोगे गैस? आपको दिखाते हैं, चलो फिर आगे। वो देखिए सामने पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और सामने से आती हुई हमारी भागा रिवर। आई होप आपको मेरी वर्चुअल वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। यहाँ पर बजरी और रेत को अलग अलग किया जा रहा है, और जिसका इस्तेमाल होता है सड़क बनाने के लिए। ये देखो मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर काम चल रहा है जोरों शोरों से, और इसमें भरी जा रही है टारकोल और बजरी मिक्स होकर रोड बनाने के लिए मटेरियल। आगे देखते हैं कहाँ तक ये टर्मिनल रोड हमें मिलता है। अब बाइक फोर्थ गियर में पावर थोड़ी कम ले रही है क्योंकि हाइट भी है थोड़ी सी, ऑक्सीजन लेवल भी कम है, सांस भी थोड़ा लगता है कि भी हल्का हल्का फर्क पड़ गया है। अब जैसे सांस फूलता है ना वैसे ही हो रहा है। बेशक मैं बाइक चला रहा हूँ लेकिन उन लोगों की भी हिम्मत है। ये लड़का मुझे बाय बाय करता हुआ, कितना टफ है इन लोगों के लिए यहाँ पर काम करना। और ये आ गया टूटा हुआ रास्ता और छोटा सा एक ब्रिज, यहाँ पे लगता है पहले वाटर क्रॉसिंग थी, इसके ऊपर छोटा सा ब्रिज बना दिया है। फिर से आ गया टर्मरिक रोड, और वो देखिए गाइस बिल्कुल सफ़ेद बर्फ पहाड़ की चोटी पर, कितनी प्यारी लग रही है। धूप पड़ रही है उसके ऊपर तो कितनी चमक भी रही है, और ये सारा टर्मरिक रोड है। वाह यार, काफ़ी हद तक टर्मरिक रोड दिखाई दे रहा है। देखते हैं कहां तक जाता है टर्मिनल रोड। आगे ब्रिज शायद बना हुआ है, बना हुआ है, उस ब्रिज से हम निकल जाएंगे। कोई ढाबा वगैरह तो लगता नहीं है यहां पे होगा। ये वही लोग हैं जो यहां पर काम करते हैं। अच्छा ढाबा है यहां पर, तो ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर अपने साथ वालों का। टाइम हो गया 12:54। सो गाइस यहाँ पे हो गया था हमारा मैगी ब्रेक, अब हम निकल रहे हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए जो कि है शिंकला पास। टाइम हो गया है 1:51। इन जेडी द स्टॉलर बनते अपने आप को जेडी द स्टॉलर है, इनकी बैटरियाँ ही नहीं चार्ज हो पा रही हैं, पता नहीं कहाँ गए डेडी द स्टॉलर और टेडी। और लगता है ये सामने क्या बनाया है, हेलीपैड लग रहा है ये। हाँ हाँ ये बनाया गया है हेलीपैड, और यहाँ से हमें लेना है इधर को टर्न। और इन लोगों की भी हिम्मत है, इतनी कड़ाकेदार धूप है, बहुत तेज़ धूप है ये। वैसे मौसम ठंडा है लेकिन धूप काफ़ी कड़ाकेदार है, इतनी कड़ाकेदार धूप में भी ये लोग लगे हुए हैं काम करने, और वो भी डेली। ये चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ है यहाँ पर, और ये हमने कर लिया है भागा रिवर को क्रॉस वही। और सामने से देखो रिवर का व्यू, क्या बेहतरीन व्यू, आय हाय हाय। इन्हीं व्यूज़ के लिए तो हम लद्दाख आ रहे हैं, और अपने इस वर्चुअली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। शिंकला यहाँ से रह गए 19 किलोमीटर सिर्फ। सो गाइस हम वहाँ से आए थे और ये वाले रास्ते से घूम के आए थे, ब्रिज क्रॉस किया था, और ये नीचे से उग के होते हुए, ये देखो रोड कितना प्यारा लग रहा है। क्या वैली है देखो सामने, कितना बढ़िया ऑसम वैली है।
कितना प्यारा लग रहा है रास्ता, और सामने देखो बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच में से ये रिवर कैसे 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 सांप की तरह निकल रही है। क्या ऑसम व्यू है ये। और वो निकले हैं हमारे साथ के को राइडर जगदीश दसोनी। कितनी देर बाद ये निकले हैं और मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। चलो लेकिन इनके पास तो है BMW, तो लेकिन हम इनका वेट नहीं कर सकते, अब हम निकल रहे हैं आगे। अब यहाँ से बाइक ने पावर लेना बंद कर दिया है। देखो तीसरे गियर में चल रहा हूँ, 36, 34, 33, देखो कितनी कम हो गई है स्पीड, पावर बिल्कुल भी नहीं ले रही है यहाँ पर। बिल्कुल तो नहीं कह सकते लेकिन पावर बहुत कम ले रही है, बहुत कम ले रही है। अब बढ़ गई क्योंकि थोड़ा सा प्लेन सा रास्ता आया, फोर्थ गियर लगा लिया है। और यहाँ पे देखो रिवर का फ्लो कितना तेज है, कितना तेज पानी आ रहा है, क्योंकि धूप काफी तेज पड़ रही है, उसके कारण बर्फ भी पिघल रही है, इसी कारण पानी का बहाव काफी तेज आ रहा है। सुबह सुबह ये पानी का बहाव काफी कम होता है क्योंकि बर्फ पिघली नहीं होती, इसलिए कभी भी जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग का एरिया होता है वहाँ पर आप हमेशा टाइम रहते ही निकलें, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी तो बर्फ़ पिघलती रहेगी और वाटर क्रॉसिंग्स में पानी बहुत ज़्यादा आएगा। शिंकुला रह गया यहाँ से 15 किलोमीटर। पहले बताते थे इस रूट पे ढाबे वगैरह नहीं खुले थे, अब ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे वगैरह खुल गए। ये देखो ये मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे ढाबे वगैरह खुले हुए हैं, और ये भी एक ढाबा है। और ये तो छोटे छोटे टेंट्स लगा रखे हैं जो यहाँ लोग काम करते हैं उन्होंने। रोड काफ़ी मस्त बना दिया है, टर्मिक रोड। ये देखो लोग का लगे हुए हैं काम पर यहाँ पर। मोड़ बड़े खतरनाक है भाई, लंबा मोड़ काटना पड़ता है, शॉर्ट मोड़ काटोगे तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। अब जैसे यहाँ पे मुझे दूसरा गियर करना पड़ेगा, और बड़ा मोड़ है क्योंकि ये, इसलिए इजिली हो गया। यहाँ आगे पास करने की जगह नहीं है, ये लोग तो बिना लगेज के चले हुए हैं, PB19। ये देखिए पानी बहकर आ रहा है ऊपर से बर्फीला, लगता है यहाँ पर एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग ना मिले। यस, ये आ गई इस रूट की पहली वाटर क्रॉसिंग। और हमने इजीली क्रॉस कर ली, आगे जाके मुझे गम्बूट पहनने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तो ये जूते मेरे गंदे हो जाएंगे, क्योंकि इस रूट पर गोनवोरोंजन तक काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी। लो जी फिर से आ गया टर्मरिक रोड, चौड़ा रोड बना दिया ये। और व्यू देखो सामने कितना खतरनाक वाला, वाह वही वाह। और आगे जा रहे हैं दो राइडर्स बुलेट वाले। पहाड़ देखो कितने गंजे पहाड़ हैं बिल्कुल, और कितने खतरनाक वाले लग रहे हैं। रात में जब इनके ऊपर मून लाइट पड़ती है तो और भी ज़्यादा खतरनाक लगने वाले लगते हैं। और ये भाई साहब जा रहे हैं स्कूटरी के ऊपर, वाह कहाँ से आए हैं, वेस्ट बंगाल से, वाह हिम्मत है भाई आपकी। व्लॉगिंग कर रहे हैं साथ के साथ,